के सीमा को सुरक्षित करने का जो काम है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं रहता जो अधूरा हो। बॉर्डर फेंसिंग है, फेंसिंग के अतिरिक्त जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम है कि जो घुसपैठिए आते हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर लेना और उनको रोकने का प्रयास करना, उसके लिए जितने भी टेक्निकल गैजेट्स वगैरह भी चाहिए वो सीमा लगाती है, सेना लगाती है सीमा के ऊपर। उसकी डिटेल यहां पर मैं दूं इसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन पर्याप्त मात्रा में सीमा को और लाइन ऑफ कंट्रोल को सेना ने सुरक्षित किया हुआ है। और आज पूरी सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर है हमारी सेना का अपने प्रभाव और डोमिनेशन है। सेकंड सप्लीमेंट, जो सैनिक इस प्रकार की कठिन स्थानों के ऊपर कार्य करते हैं स्वाभाविक है कि वहां जितनी भी सुविधाएं दी जा सके वो वहां की आवश्यकता की तुलना में कम रहती है, क्योंकि वहां पर बहुत ही कठिन व्यवस्थाएं होती हैं, कठिन मौसम है और डिफिकल्ट कंडीशंस उस प्रकार से होती हैं। लेकिन इस संबंध के अंदर में मैं आपको बताऊं कि अलाउंसेस होते हैं इन विशेष स्थानों के संबंध में जो वेतन के अतिरिक्त उनको इन स्थानों के ऊपर सेवा करने के लिए मिलते हैं, और हाल ही में सेवन पे कमीशन ने भी उन अलाउंसेस को अनाउंस किया था। सरकार ने उसके बाद एक कमेटी बनाई थी उन अलाउंसेस के ऊपर पुनर्विचार करने के लिए, और जो सेवन पे कमीशन ने दिया तो सियाचिन में जैसे जो लोग काम करते हैं उनके लिए उन अलाउंसेस में थोड़ी बढ़ोतरी और कर दी जो सेवन पे कमीशन ने दिया था, और उसकी घोषणा कुछ दिन पहले सरकार ने कर दी। रौनी मैडम, इस संबंध में जो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर हैं मैंने पहले भी कहा उसकी विशेष जानकारी यहां देना उपयुक्त नहीं है, लेकिन जितनी भी लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर रेडार्स, सेंसर्स, थर्मल इमेज और उसकी सर्वेलेंस के लिए जो भी आवश्यकता होती है, ये सरकार या पिछली सरकार इसको दलगत राजनीति न देखें, पूरा देश की तरफ से जो भी सरकार रहती है इसकी व्यवस्था दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। और यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में आप देख रहे होंगे कि जितने अधिक इन्फिल्ट्रेशन सेना ने केवल पंजाब में नहीं जम्मू कश्मीर में भी जितने अधिक रोकने में सफलता प्राप्त की है उसमें इन सब का योगदान है। मोहम्मद सलीम, मैडम सन दो प्रकार के एरियाज हैं, कुछ ऐसे हैं जो आर्मी जिनको गार्ड करती है और कुछ ऐसे हैं जिसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गार्ड करती है, और इन दोनों का अलग अलग रहता है। प्रायः आप समझ लीजिए कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो सारी आर्मी के तहत है, कुछ हिस्सा इंटरनेशनल बॉर्डर का, थोड़ा हिस्सा आर्मी के पास होता है, बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर का हिस्सा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है। अब 2016 ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से जो सीज फायर वायलेशंस हुए हैं वो 2016 में आर्मी के क्षेत्र में लगभग 228 हुए और जो बीएसएफ का नियंत्रित एरिया था उसमें 221 के करीब हुए, उसमें 8 आर्मी की कैजुअल्टीज हुई। मेरे पास आर्मी की कैजुअल्टीज का डेटा है। इस साल उन्होंने विशेष जो स्थिति बनी विशेष रूप से एलओसी के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन काफी बढ़ाने की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हुई है, और यह संख्या पहली अगस्त तक 2017 में 285 हो चुकी है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इन सब का इसलिए जो उनकी इन्फिल्ट्रेशन के टाइम पर जो दूसरी साइड से जो इन्फिल्ट्रेट करते थे उनकी कैजुअल्टीज भी हुई, वो भी इस वजह से इस साल रिकॉर्ड हाई उस प्रकार से। थैंक यू क्वेश्चन।